की रफ्तार देश में जिस तरह बढ़ रही है उससे सरकार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं ऐसे में में जिन इलाकों या राज्यों जानलेवा वायरस ज्यादा फैल रहा है उन इलाकों पर प्रशासन की कड़ी नजर है वहीं दिल्ली के राज्य कैंसर संस्थान में सोमवार को डॉक्टर और नौ पैरामेडिकल कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों को बढ़ता देख केजरीवाल सरकार ने अब नई रणनीति बनाई है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल सरकार ने फाइव टी प्लान बनाया है मंगलवार को प्रेस वार्ता में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फाइव टी में पहला टी है टेस्टिंग हमने बड़े लेवल पर टेस्टिंग का फैसला किया है उन्होंने बताया कि शुक्रवार से रैपिड टेस्ट अभियान की शुरुआत होगी हमने एक लाख टेस्ट किट मंगवाए हैं जो शुक्रवार को मिल जाएगी जिसके बाद इस पर काम किया जाएगा इस प्लान में दूसरे टी से मतलब है ट्रेसिंग और तीसरे टी से ट्रीटमेंट है केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस कर रहे हैं इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में करीब तीन हज़ार बेड की क्षमता तैयार कर ली गई है इसके अलावा चार बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में आरक्षित किए गए हैं और समय आने पर और भी हॉस्पिटल और होटलों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा केजरीवाल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को अकेले नहीं जीता जा सकता आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही है सभी राज्य सरकारों को मिलकर भी काम करना होगा केजरीवाल ने फाइव प्लान में पांचवा टी ट्रैकिंग है उन्होंने कहा कि सभी चीज़ों को ट्रैक करना सबसे ज़रूरी है सभी प्लान को ट्रैक करने की जिम्मेदारी मेरी है अगर हम कोरोना से तीन कदम आगे रहेंगे तभी हम इसको हरा पाएंगे सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स